तो चलिए गाइस आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.5। इंट्रो पार्ट एज यूजुअल मैंने अपलोड कर ही दिया है। और देखिए अब जितना भी हम लोग इंटीग्रेशन पे बढ़ते जाएंगे तो एक प्रॉब्लम आपको फेस होगी कि सर हाउ आई विल आइडेंटिफाई दैट दिस क्वेश्चन फ्रॉम 7.1, 7.2 और 7.3 एंड विच कंसेप्ट वी कैन अप्लाई इन द गिवन क्वेश्चन। तो उसका एक सिंपल सा आंसर है जो कि आपकी कन्फ्यूजन दूर कर, क्या पूरे इंटीग्रेशन में whether it contains 4 marks, whether it contains 6 marks, 2 marks, doesn't matter, बस ये चेक करना है कि किसी एक फंक्शन को लेट करके, if you are letting some function and after differentiating you are able to cut another function, yes or no, बस किसी एक फंक्शन को लेट करके क्या हम कोई दूसरा फंक्शन हम उसको कैंसिल कर पा रहे हैं। लेट करने का मीनिंग उसको डिफरेंशिएट करके। तो यार देखते हैं क्या मैं इसको डिफरेंशिएट करके ये कट कर पाऊंगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। सबसे पहला कंसेप्ट तो आप यही दिमाग में लेकर चलिए। अब यार नहीं हो पाएगा तो अब जुगाड़बाजी करें। अब वो जुगाड़बाजी क्या है उसको हम लोग देखते हैं। वो ये सब चीज़ें हमारी प्रैक्टिस से हमको आ जाती है जुगाड़बाजी। तो इसमें देखो क्या कर सकते हैं हम लोग ना, इसका मल्टीप्लाई करके इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन की तरह से भी, ऐसा नहीं है कि दिमाग में सोचो कि भाई 7.5 का तो पार्शियल फ्रैक्शन ही करेंगे, एग्जाम में हमको थोड़ी ना पता किसका है। तो चलिए इसका हम इंटीग्रेशन करना। तो देखो एक्स प्लस, इसमें एक उम्मीद मत करना मुझसे कि मैं हर कोई एक एक क्वेश्चन बताऊँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताऊँ। क्यों? कैलकुलेशन है, वीडियो लेंथी होगा, लॉजिक है ना, ये चैनल केवल लॉजिक के लिए ना कि छापने अपने के लिए। ठीक है सर, तो ये ध्यान रखेंगे सारे। इंट्रो पार्ट में एक एक चीज़ समझाइए, एक एक एग्जांपल कराया है, तो इंट्रो पार्ट जरूर देखिए। तो एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू एलसीएम। अब ये अगर जिन बच्चों ने इंट्रो पार्ट नहीं देखा, वो कहेंगे ये एबीसी क्या है, उनको यही प्रॉब्लम होगी कि सर ये एबीसी क्या है, एबीसी में उनको डाउट होगा। तो एबीसी कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस ये, तो ये सब चीज़ें इंट्रो पार्ट में सब समझाएगी। तो एक्स प्लस वन से ये कैंसिल हो गया, एलसीएम ले रहे हैं, तो ए एक्स प्लस टू बी एक्स प्लस वन, एक करके दिखा रहे हैं सिंपल क्वेश्चन प्रॉपर वे में पूरा। अब हमारा टारगेट क्या है कि भैया यहाँ से ए बी सी की, ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेना, बस दो तरीके से फाइंड करके बताइए कैसे भी। एक बार पुट कर देंगे एक्स की जगह माइनस, इसको क्या करते हैं जीरो के बराबर पुट कर दो, तो एक्स कितना आ गया माइनस टू, तो एक्स की जगह माइनस टू पुट करो पूरे एल एच एस में भी आर एच एस में भी, तो माइनस टू। अच्छा एक एक्स की जगह माइनस टू पुट करोगे डियर, तो ये जीरो हो गया, यहाँ पुट करो तो ये माइनस बी हो गया, तो बी कितना आ गया टू आ गया। अच्छा एक बार पुट करो एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, तो माइनस बनाए तो यहाँ पुट करिए माइनस वन, ए माइनस वन प्लस टू, तो ए इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस वन। मतलब इस अगर हम ए की जगह माइनस वन रखें, बी की जगह टू रखें, सॉल्व कर दो तो यही आएगा, ये आएगा। आप करके देखिए, तो ए की जगह कितना रखेंगे माइनस वन एक्स प्लस वन, बी की जगह प्लस टू और एक्स प्लस टू। अब देखिए इस फंक्शन को ये भी लिख सकते हैं, इसी का तो इंटीग्रेशन करना, तो एक ही तो बात है, तो इसका जो कितनी आसानी से कर सकते हैं। तो माइनस अब देखिए एक्स प्लस वन है तो इसका हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वन प्लस लॉग एक्स प्लस टू प्लस, कितना सिंपल हो गया ये। ठीक है, इसका आप लोग मल्टीप्लाई करते या कंप्लीट स्क्वायर करते तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ये पार्शियल फ्रैक्शन मतलब पार्शियली डिवाइड कर दिया, पार्शियली इसको मैंने ब्रेक कर दिया, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया इसको, इस तरीके से हो जाते हैं। पॉज द वीडियो, चलिए देखिए भैया जो सेकेंड क्वेश्चन है ना, इसको तो अभी हम लोगों ने किया कि इससे 9 को लिख सकते हैं डियर 3 का स्क्वायर। तो अब देखो ये हमारे पास देखा जाए तो कायदे में फॉर्मूला बन गया 7.4 का, 1/x² माइनस c² डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसको लिखेंगे x प्लस थ्री, हिंट दे रहा हूँ केवल, इसको लिखेंगे x प्लस थ्री और x माइनस थ्री, तो a और b करके ठीक कर लेना। अब ये थर्ड क्वेश्चन, इसमें तीन आ गए हैं, इसमें a b c हो जाएगा। तो देखिए मैं इसको a और b की वैल्यू फाइंड करना सिखा दूँगा आपको कैसे करते हैं। ए अब तीन वेरिएबल क्यों आए ये बताओ भाई, ये तीन वेरिएबल इसलिए आए, एक्स का मल्टीप्लाई करोगे डिग्री तीन आएगी, तो बस इन ये फैक्टर तो इनको ए बी सी के साथ लिख दिया। चलिए तो ये आ जाएगा थ्री एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन, और देखिए आप जरा जो क्वेश्चन नंबर फोर था वो भी एकदम ऐसा है, ऊपर यहाँ थ्री एक्स माइनस वन, यहाँ एक्स है, तो वो भी खुद कर लेना। अब ये जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर अगर हम खुद ही कर लेते तो हम ये देखते क्यों, तो यार एक बात सुनो,
छापने के लिए मत आओ यहाँ पे, आप समझो ना, आप इनके इनका जो मैं इंट्रो पार्ट सुन रहा है उसको देखो बढ़िया तरीके से। तो x माइनस वन से ये कैंसिल हो गया, तो a की जगह क्या आएगा, x माइनस टू एक्स माइनस थ्री, बी की जगह आएगा x माइनस वन एक्स माइनस थ्री, सी की जगह आएगा डियर x माइनस वन। चलिए अच्छा अब देखो, अब एक बार x की जगह पुट कर दो टू, क्यों, तो ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, क्यों, टू माइनस टू जीरो, तो a भी जीरो हो गया, b भी जीरो हो गया, c भी जीरो हो गया। तो यहाँ पुट करो a की जगह, कैलकुलेशन देखते रहना यार। तो थ्री टू या सिक्स माइनस वन फाइव, ये b हो गया और ये टू से माइनस, तो b कितना आ गया माइनस फाइव। ठीक है अब एक बार पुट कर देंगे x की जगह थ्री, जब थ्री पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ भी पुट करो थ्री की जगह, थ्री थ्री या नाइन माइनस वन, देखो अब थ्री पुट करो ना यार, जीरो हो जाएगा ये, तुम लोग भी थ्री ये फिर ये जीरो, और यहाँ पुट कर दो तो ये कितना होगा एट, थ्री से बन गया टू, टू सी, तो सी कितना आ गया फोर आ गया। एक बार पुट कर दो एक्स की जगह वन, तो देखो वन पुट करोगे ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, चलो वन पुट करो थ्री बन जा थ्री माइनस वन, वन पुट करो यहाँ पे थ्री बन जा थ्री माइनस वन टू, तो ये ए की जगह माइनस वन और ये माइनस टू, तो ये ए की जगह वन आ गया। तो भैया बस ए बी सी की वैल्यू निकालनी थी, हमने निकाल ली, एंजॉय द लाइफ विदाउट वाइफ, ए की जगह रख दो एक्स माइनस वन डी एक्स, बी की जगह रख दो माइनस फाइव वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस सी की जगह फोर, बस ए बी सी की वैल्यू हमको निकालनी थी, हमने निकाली। अब तो केवल डायरेक्ट कर दो लॉग एक्स माइनस वन माइनस फाइव लॉग एक्स माइनस टू। तो भैया कुछ नहीं है, केवल ए बी सी की वैल्यू निकालनी थी और हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा, ए बी तीन पाले थे, ए बी सी की वैल्यू निकालना सीखो बस, और कुछ नहीं है इसमें। इंट्रो पार्ट देख लो भैया प्लीज़। अब देखो अगर मैं क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करता हूँ यार, देखो अगर यही क्वेश्चन सेवन पॉइंट फोर से भी हो जाएगा, इसको कंप्लीट स्क्वायर बना देंगे फिर हो जाएगा, या फिर इसके फैक्टर कर लो अगर पार्शियल फ्रैक्शंस करना, आप दोनों से कर सकते हैं। एग्जाम में आए तो कन्फ्यूज मत होना कि सर इससे करें, आप किसी से भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसके फैक्टर करके दिखा देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू। अब यार ये मत कहना फैक्टर बता दो, हैं फैक्टर की उम्मीद ना करियो बाबू, जेब में बिखर है तारे खाली हुआ आसमान, आँखों की धूप है मेरे बर्फीला की जान, ठीक है। तो वही वाला ए बी सी के फॉर्म में कर दिया, अब एलसीएम ले रहे हैं भाई, सुनो सुनो बात को समझो, मैं को ये नहीं चाहता कि आपको बताना नहीं जा रहा हूँ, आप समझिए मेरी फीलिंग्स को समझो कि मैं क्यों ये सब चीज़ें कहता हूँ, क्यों मैं छपवाना नहीं चाहता था कि यार तुम एक एक कॉपी कर लो ना, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यू निकाल के अभी तक तो जैसे हम लोगों ने किया था वैसे हम कर लेंगे। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरह, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स, चलिए अच्छा अभी हो गया, तो अब देखते हैं इसमें, वेरी गुड, वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये क्वेश्चन है, सबसे पहला टारगेट किसी को लेट करके, यार क्या लेट करोगे क्या काटो कुछ नहीं, अब इसका पहले मल्टीप्लाई कर दो, देखते हैं मल्टीप्लाई कर कुछ होता है, तो क्या हो गया माइनस का टू एक्स स्क्वायर। भाई दोनों की डिग्री क्या है डियर, दोनों की डिग्री क्या है टू, क्या है टू, तो ये इम्प्रॉपर, इसे पहले प्रॉपर में करेंगे। अच्छा एक बात, आप अगर माइनस कॉमन लेता हूँ ऊपर से, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ से लेता हूँ तो टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, क्योंकि कट कैंसिल हो गया, क्यों किया सर, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट उनको मैंने प्लस में कर लिया, क्योंकि डिवाइड करेंगे, अब इसका डिवाइड इसमें कर दो, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो एक बात सुनो, टू एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर आ जाएगा वन बाई टू का, तो करो तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स बाई टू,
तो ये एक्स बाई टू माइनस वन। तो अब इसे कैसे लिखेंगे, इसको देखिए हम कैसे लिखेंगे, वन बाई टू तो अलग आ जाएगा, प्लस एक्स बाई टू माइनस वन, टू एक्स स्क्वायर। अब देखो ये जो है ये हमारा प्रॉपर बन गया, आप देखिए ना ये हमारा क्या बन गया, प्रॉपर बन गया। तो बस अब वन बाई टू का कर देना। अब इसका कैसे करें, टू अगर मैं एलसीएम लेता हूँ वन बाई टू बाहर आ जाएगा, तो एक्स माइनस टू, टू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, ठीक है। इसका तो आप लोग हो ही गया, अब इसका देखो कैसे करेंगे, एक्स माइनस टू है, यहाँ से एक्स कॉमन आएगा तो नीचे कितना बचेगा, टू एक्स माइनस वन, इसको लिख दो, ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन टू एक्स माइनस वन, बस अब निकाल दो ए और बी की, इसका तो इंटीग्रेशन हो गया वन बाई टू, इसका और कर लेना, ये इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे अगर कोई डाउट है तो देख लो थोड़ा सा आगे। सबसे बड़ी बात थी इम्प्रॉपर में, क्योंकि अब आप कहेंगे सर आपने चेंज क्यों किया, क्योंकि इंट्रो पार्ट में बताया था इम्प्रॉपर को हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते, उसे प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ता, रीज़न क्या था सब उसने बता दिया था। तो एक्स स्क्वायर है ये ए, टू एक्स माइनस वन, ठीक है दिया, तो ये कैंसिल हो गया, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेना और पुट द वैल्यू गेट द। एक इसी टाइप के ऐसे चलते रहेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे अलग होंगे उनसे मैं बहुत प्यार से समझाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन, ये ठीक है। अब देखो यार इसकी डिग्री थ्री है, इसकी डिग्री बने प्रॉपर है पहले से, इसको लेट करके ये कैंसिल होगा नहीं, अब जुगाड़बाजी करते हैं, जुगाड़बाजी कैसे फैक्टर है, तो सीधे सीधे इसको हम पार्शियली फ्रैक्शन कर, इसको मैं करके दिखा दूंगा। तो ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर बी एक्स प्लस सी क्यों आया, तो हमने बताया था जब इसके फैक्टर नहीं हो सकते, इसके फैक्टर नहीं हो सकते, अगर आप करने बैठ जाओगे तो इमेजिनरी नंबर आएगा, मतलब फ्रैक्शन नहीं हो सकते। तो जब नहीं हो सकते, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसकी डिग्री टू होगी, तो बी और सी दो आए, तो एक वेरिएबल लगा दिया। क्यों लगा दिया, यहाँ पे एक्स क्यों आया, क्योंकि इसकी डिग्री हमेशा कम होगी अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, तो डिफ्रेंशिएशन करने से एक डिग्री कम होती है, तो सब बताया इंट्रो पार्ट में। चलिए एलसीएम, ये हो गया, इधर x आ गया, इधर ये a x स्क्वायर प्लस वन और ये b x प्लस c और x माइनस वन। अगर मैं यार पुट कर दूँ x की जगह वन, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, यहाँ वन a x वन का स्क्वायर वन टू, तो a कितना आ गया हमारे पास वन बाई टू। अब सुनो a वन बाई टू, अगर हमको b और c की वैल्यू और निकालनी, तो यार आप देखो नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि x की जगह आपको क्या पुट करना पड़ेगा यहाँ पे रूट में, तो वो हम पुट नहीं कर सकते, ऐसे हम कंपेयर कर देंगे। तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस का सी एक्स माइनस का सी। तो एक्स स्क्वायर वाले ये हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लो तो कितना है ए प्लस बी, एक्स वाले ये यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे आएगा सी माइनस बी, और ये क्या है ए माइनस सी। अच्छा अब कंपेयर कर दो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर कुछ नहीं है तो जीरो, इधर कितना ए प्लस बी, तो डियर ए की वैल्यू कितनी वन बाई टू निकाल चुके हैं, तो बी कितना आएगा माइनस वन बाई टू, ठीक है जी। चलिए एक्स का कंपेयर करते हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ वन है, कोफिशिएंट यहाँ कितना सी माइनस बी, ठीक है। तो सी बी की वैल्यू कितनी है प्लस वन बाई टू हो जाएगी माइनस वन, ये इस तरफ आएगी वन से वन बाई टू गया, तो c की वैल्यू भी कितनी आ गई वन बाई टू, चेक कर लो वन बाई टू माइनस वन बाई टू वन बाई टू, ठीक है। चलिए इसका आंसर ठीक है, अब क्या करना कुछ नहीं, अब आंसर आ गया, a b c की वैल्यू पुट कर दो, किस जगह इस जगह, क्यों ये फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है करना ना, और ये सेम है तो बस रख दो वैल्यू, a की जगह वन बाई टू प्लस b की जगह माइनस वन बाई टू एक्स प्लस वन बाई टू और एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखो यार ये थोड़े लेंथी होते हैं, बस इसका क्या हो गया लॉजिक नहीं है, अब एक्स माइनस वन हो गया, अब इसको फिर से अलग अलग कर लो, इसके साथ भी इसके साथ भी, तो ये माइनस का वन बाई टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वन बाई टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखिए वन बाई टू लॉग एक्स माइनस वन, अच्छा अब इसको लेट कर लो तो ये कट जाएगा, देखो ये कट जाएगा, तो ठीक है तो इसको लेट कर लें प्लस, ये तो फार्मूला ही बन गया वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, ठीक है। तो वन बाई ए टेन इनवर्स साइन इनवर्स एट, हाँ टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेंगे, इसको लेट करके कर लेना,
तो इस तरीके इसको लेट करेंगे। यार मैं सोचता हूँ बताऊँ ना बताऊँ, फिर बच्चे ये ना सोने, ये हो गया टैक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 7.4 का फॉर्मूला बन गया। तो इस तरीके से ये भी हो जाएगा। पॉज द रेडियो। चलिए 8 क्वेश्चन देखते हो। ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या है, इसमें बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक बस बता दूँ, बाकी तो सिंपल है। मोस्टली बच्चे सोचेंगे सर चलो हम x माइनस वन इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब x माइनस वन का होल स्क्वायर तो दो बार लिख सकते हैं। तो सर फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सीन कैसे, a अपॉन x माइनस वन, b अपॉन x माइनस वन, c अपॉन x माइनस वन। मोस्टली बच्चे ऐसा सोचते हैं, ठीक है सोचो थोड़ी देर। तो फिर आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम डियर क्या आएगा, x माइनस वन और x प्लस टू, क्योंकि जो दो बार था एक ही बार तो लिखते हैं एलसीएम में। अच्छा इधर कितना है, तो ऐसे में ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, फिर x माइनस वन बचा इधर, और बचना कुछ नहीं चाहिए, इसलिए तो जो स्क्वायर होता तो एक बार हम लोग यहाँ पे स्क्वायर भी लगाते। अब एलसीएम लेके देखो तो देखो स्क्वायर ही आएगा, आप समझ रहे हो ना, तो अभी पूरा कट जाएगा। तो ये थोड़ा गलती करता है कि स्क्वायर है तो एक के साथ स्क्वायर हम लोग भी लगाते हैं। अब कुछ नहीं है, अब केवल ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेना। क्यों, क्योंकि एक्स बराबर हो गया ये था, और इधर कितना था, ये एलसीएम ले लेना, तो बस वैसे ही नॉर्मली स्क्वायर और एक्स प्लस टू, ये सही कट गया, प्लस बी प्लस सी, तो बस अब एक ही जगह वैल्यू पुट करते हैं, इससे ये कट जाएगा, इधर एक्स बचेगा, था ए बी सी का आंसर निकाल लेना। सिंपल सिंपल चीज़ें, बहुत ज़्यादा ये। पॉज द वीडियो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9, देखो कुछ नहीं है, इसके फैक्टर कर लो केवल, पावर 3 है, डिग्री 3 है, एक्सपोनेंट 3, मतलब 3 ही इसके पॉलीनोमियल तो जीरोज होंगे, तो बस सब कुछ नहीं, इसके फैक्टर या 9th क्लास में सीखे थे इस टाइप के, यहाँ तक मुझे याद आ रहा है। एक बार x की जगह चलो 1 पुट करके देखते हैं, 0 आएगा, 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस, बिल्कुल आ रहा है भाई 0, मतलब जो बच्चे नए या नए तो नहीं हो समझ लो, हम कोई सा भी नंबर पुट करते हैं चेक करते हैं, मोस्टली 1 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 में ही मिल जाता है कि इसकी जगह पुट करने पर 0 आ गया। तो देखो x बराबर 1 पुट करने पर इस पर 0 आ गया, तो 1 इसका क्या हो गया 0, 1 को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 1, तो वो इसका क्या होगा फैक्टर। ये सब 9th क्लास में छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी थी। अब जल्दी से डिवाइड करो, तो एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस प्लस, तो ये माइनस और ये प्लस, अब कितना आया माइनस एक्स प्लस वन, तो माइनस का वन, तो माइनस का एक्स प्लस वन, ये जीरो हो गया। तो इस अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, फैक्टर हमारे क्या होगा, एक तो एक्स माइनस वन तो पहले से था और हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन और आ गया, ठीक है। तो बस अब इसकी जगह हम लिख देंगे एक्स माइनस वन और इसके फैक्टर एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, क्यों वन को वन का स्क्वायर लिख सकते हैं, बस आगे नीचे देखो। अब इसकी जगह पर ये कर देना, बन गया प्रीवियस क्वेश्चन। अगर मैं 10 क्वेश्चन की बात करूं, जो लॉजिकल क्वेश्चन आएंगे मैं उन पे ऑटोमेटिक रुक जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है बच्चों को क्या डाउट हो सकता है। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन और 2x प्लस, कुछ नहीं करना ऐसे भी ऐसे कर, तो a अपॉन x माइनस वन प्लस b अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन 2x प्लस 3। डरना क्या, एलसीएम ले लो, कर दो फिर से ए बी सी की वैल्यू निकालो। 11 देखते हैं, 11 भी ऐसे ही सब है, क्योंकि ये कि जैसे क्वेश्चन चले, मुझे लगता भी नहीं कि आप लोग शायद, क्योंकि देखो 100% आप तो कुछ ही होती नहीं, आप कह रहे हो हाँ सर आप सही छुड़वा रहे हो, क्यों लॉजिक नहीं यार, एक एक प्रूफ बता दिए आपको। तो x प्लस वन 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर क्या होगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो बस a अपॉन x प्लस 1 b अपॉन x प्लस 2 और c अपॉन x माइनस 2। ए बी सी की वैल्यू निकालो, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। अगर मैं इसकी बात करूँ 12 क्वेश्चन की, देखो 12 क्वेश्चन देखकर हाँ थोड़ा सा अलग इसलिए लग रहा है क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है ये इम्प्रॉपर, तो डर क्यों रहे हो, इसकी डिग्री 2 इसकी 3 इम्प्रॉपर है, नीचे वाले की डिग्री कम है, तो डिवाइड करके प्रॉपर में चेंज करो ना इसको, इसमें क्यों तुम टेंशन ले रहे हो यार, ये कह लो चेंज अभी हो जाएगा, चेंज देखो जरा कितनी बार जाएगा, एक्स बार जाएगा डिवाइड, तो एक्स क्यू माइनस का एक्स, तो माइनस और ये प्लस, कितना है 2x
तो अब इसका डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि इसकी डिग्री ज़्यादा होगी, जब इसकी डिग्री ज़्यादा होती है डिवाइड नहीं जाता है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर, मतलब इसकी डिग्री वन होगी, इसका तो इंटीग्रेशन ये हो गया। अभी बन गया नॉर्मल क्वेश्चन, अभी तक इसे नॉर्मल क्वेश्चन समझो, क्यों एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एक बार प्लस और एक बार माइनस, निकालो इसका जो आंसर आएगा इसके साथ ऐड कर देना बस, पॉज द वीडियो। अब ये मत करना चार क्वेश्चन ऐसे बता दी हवा, हवा नहीं बताया भाई, एक एक प्रूफ बताया इनका, ठीक है। चलिए अगर मैं 13 क्वेश्चन की बात करूँ भाई, ये तो क्या करना है इसमें, सब एक जैसे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, देखो इसके फैक्टर होंगे नहीं, तो बस ए अपॉन वन माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, अब निकाल देना, ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस करा चुका हूँ। ये तो और भी तुच्छा क्वेश्चन है, देखिए एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, इसे क्या लिखेंगे, ए अपॉन एक्स प्लस टू प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, बस क्यों इसके एलसीएम एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। 15 देखते हैं, देखने में ऐसा लग रहा होगा कितना टफ है, कुछ नहीं यार, देखो एक्स की पावर फोर को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वन को लिख सकते हैं, वन का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी बी स्क्वायर, ऐसे में इसको ए कंसीडर करेंगे ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब दोबारा से इसको, अब एक्स स्क्वायर माइनस वन को दोबारा से फैक्टर कर लेंगे, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, बस हो गया। देखो जरा क्या, ए अपॉन एक्स माइनस वन बी अपॉन एक्स प्लस वन, अब देखो इसके फैक्टर नहीं होंगे तो सी एक्स प्लस डी, ना डरने वाली टेंशन थोड़ी ना कि सर अब चार हो गए यार, डिग्री भी तो फोर है तो चार वैल्यू होंगे, इसके साथ सी एक्स प्लस डी दो आए। अब आप लोग कह रहे होंगे सर ए बी सी डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो लो चलो, अच्छा मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है कि इसमें आपको ये कन्फ्यूज़न हो क्योंकि आप लेंथ से डर जाते हो क्वेश्चन के। तो चलिए अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे, ये क्या लिख रहा हूँ, एक्स प्लस वन, तो ये एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन, इधर भी यही है, कंपेयर कर देंगे, कंपेयर करने सभी के आ जाते हैं, तो ये तो कैंसिल होगा। अब देखो एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन, तो ए के साथ क्या आएगा डियर, एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन, प्लस बी के साथ क्या आएगा, एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, सी के साथ क्या आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो सी के साथ क्या आएगा, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, ठीक है सर, इधर वन है। अब इनके जो कोफिशियंट कंपेयर कर दें, या एक बार ऐसे कट गए, पुट एक्स की जगह माइनस वन, तो ये जीरो और ये जीरो, तो यहाँ से सी निकल के आ जाएगा, एक बार पुट कर देंगे माइनस वन ही प्लस वन पुट कर देंगे, तो ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, तो एक ही वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर आप कहेंगे सर सी और डी की, फिर इनके कोफिशियंट का कंपेयर कर देंगे, तब चारों वैल्यू निकल के आ जाएंगे, किया हुआ है प्रीवियस में, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी हो गया हमारा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं हो रही, केवल कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं।